लगता है जैसे ये जो दो तीन सुपर पावर देश बने फिर रहे हैं, इनके अंदर गर्मी उबाल दे रही है कि अब लड़े कि कब लड़े। अब अचानक से अमेरिकी क्षेत्र में 11 युद्धपोत घुस गए हैं, और ये 11 युद्धपोत किसके हैं? चाइना के और रूस के, जिसके बाद अमेरिका ने क्या किया है। अभी तक तो ताइवान के क्षेत्र में घुसा करते थे, पर पहली बार देखा गया अमेरिका के लिए ये घुसपैठ। ये हो गई है सीधी चुनौती। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस बार ले लिया तगड़ा वाला एक्शन, और वो भी सबसे पहले, और वो भी तीन देशों पर। लेकिन सबसे ज्यादा बौखलाहट मची है चाइना के अंदर, क्योंकि भारत ने उसके सारे रास्ते ही बंद कर दिए। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है अलास्का। कभी रूस का हुआ करता था, रूस का यहाँ बड़ा एम्पायर था, लेकिन रूस ने अलास्का को बेच दिया 1867 में, करीब 7.2 मिलियन डॉलर इस हिसाब किताब से। आज मूल्य निकालेंगे तो करीब 200 मिलियन डॉलर के आसपास आएगा। उस समय इस कीमत पर रूस ने अमेरिका को ये पूरी जगह बेच दी। कारण क्या था? कारण ये था कि रूस के लिए बहुत मुश्किल था, रूस से ये काफी दूर है मेन जगह से, तो इसको संभाल कर रखना, इसको अच्छे से रखना, ये बहुत मुश्किलों भरा काम था। यही वजह है कि अलास्का को उसने अमेरिका को बेच दिया। तो जो अलास्का कभी रूस का हुआ करता था वो अमेरिका का हो गया। अमेरिका ने यहाँ पर कुछ विकास किए, लेकिन बहुत ज्यादा अलास्का में अमेरिका कुछ कर नहीं पाया है, जबकि अलास्का तीन इसके जो आसपास के स्टेट हैं उसको मिला दें, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोनटाना, तो उन तीनों का एरिया उतना बड़ा है अलास्का। पर अब यह अलास्का बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? क्योंकि इस अलास्का के जो बर्फ हैं वो पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, और इसके नीचे का खजाना निकलकर बाहर आ रहा है। जैसे जैसे खजाना बाहर आ रहा है, वैसे वैसे देशों का लालच भी बढ़ता जा रहा है, और वो भी वापस आ रहा है। कहीं ना कहीं रूस को भी इस वक्त लग रहा है कि हमने अलास्का को बेच कर अच्छा नहीं किया। चाइना तो वैसे भी लालची है, उसे तो बस यही है कि हर हाल में पराए माल को कब्जे में ले लेना है। सितंबर 2021 में अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने अलेउतीन द्वीप के पास चीनी जहाजों को देखा था। उसके बाद अगस्त 2022 में अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा था कि उन्होंने अलास्का एयर डिफेंस क्षेत्र के अंदर रूस के सर्विलांस एयरक्राफ्ट को देखा था। इसे ट्रैक भी की गई थी, इसकी पहचान भी की गई थी। हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाया था अमेरिका ने, पर इस वक्त तो हद हो गई है। हद ये हो गई है क्योंकि अलास्का में घुसपैठ हो गया। अमेरिका के जल क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 युद्धपोतों के साथ घुसपैठ की खबर आई। इन युद्धपोतों ने अमेरिकी जल क्षेत्र में दाखिला लिया, और आपको बता दें अमेरिकी नौसेना ने इन्हें रोकने के लिए 4 डिस्ट्रॉयर्स को इनकी तरफ भेज दिया है। घुसपैठ कब हुई, किस जगह पर हुई, इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन क्षेत्र के सीनेटर हैं डैन सुलिवन, इन्होंने अमेरिकी मीडिया के सामने आकर इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ये घटना पिछले कुछ दिनों में हुई है, अमेरिकी नौसेना हाई अलर्ट पर है, 4 डिस्ट्रॉयर को रवाना कर दिया गया है, और ये जो स्थिति है ये स्थिति असामान्य है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सुलिवन का कहना है कि ये जो रीजन है, इस रीजन में 11 युद्धपोत जो रूस और चीन के हैं, वो नेविगेशन के खिलाफ जाकर अलास्का में घुसपैठ कर रहे हैं। यूएन के कानून के मुताबिक बाकी देशों के जहाजों को पूरी अनुमति लेकर घुसना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर घुस रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं। अब आपको बता दें अलास्का में अगर जंग होती है तो कौन जीतेगा? रूस यहाँ पर ताकतवर है। अमेरिका के पास सिर्फ 2 आइस ब्रेकर हैं, जबकि रूस के पास 54 आइस ब्रेकर हैं, और कई तो परमाणु ऊर्जा से लैस हैं, सभी हथियार बंद हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका काफी पीछे है, ऐसे में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें अलास्का को लेकर एक कसक है जो अभी भी देखा जाता है। कई बार
कहा जाता है कि सोशल मीडिया में इस तरीके के पोस्ट आते हैं जिसमें कहा जाता है कि रूस एक न एक दिन वापस लेकर आएगा अलास्का को। वैसे तो अलास्का में जीवन उतना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेन कारण ये है कि यहाँ खजाना छिपा हुआ है, और जहाँ खजाना छिपा हुआ है वहाँ तो फिर दिक्कत है ही, ये देश तो भागे चले आते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चीज हुई थी जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि चाइनीज कंपनी JTE भारत के मार्केट में वापसी करेगा। स्क्रीन पर ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ज्यादा पुराना ये आर्टिकल नहीं है, 22 जून 2023 को इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। और तब थोड़ा सा चौंकने वाली बात हो गई थी, दुनिया JTE को, हुबई को बैन कर रही है, भारत इसे क्या वापस लाने की सोच रहा है? तो आपको बता दें, यहाँ कहा जाता है कुछ गड़बड़ हुई थी। स्क्रीन पर जो ये देख सकते हैं आप आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो ये क्लिप है, इस क्लिप में ये कहा जाता है कि वोडाफोन आइडिया, इन्होंने हाल ही में JTE को एक नया ऑर्डर दिया था जो करीब 230 करोड़ रुपए का था, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें नेटवर्क अपग्रेड के लिए लगने के लिए चाहिए था। अब इन्होंने ये ऑर्डर क्यों दिया था अगर बैन है तो आपको बता दें, कहा जाता है कि चूंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट पहले जब बैन नहीं था तो इन कंपनियों ने इस्तेमाल किया था, अब उनके लिए मुसीबत थी कि एक झटके से वो सारी चीजों को बदल नहीं सकते थे। हालांकि सरकार ने नियम ला दिया था 2021 में और सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ये कह दिया था कि देखो, आप जो नई डिवाइस लोगे वो ट्रस्टेड प्रोडक्ट लेना, ट्रस्टेड सोर्स से लेना, चाइना से नहीं लेना। मतलब साफ था कि अब हमें JTE हुबई को इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन चूंकि पहले से है, पहले से इस्तेमाल है, पहले से करोड़ों रुपए लग चुके हैं, तो उनको अपग्रेड करने के लिए कहा जाता है कि सरकार की तरफ से परमिशन दिया गया कि ठीक है, आप इसे अपग्रेड कर लो, वो पैसे बर्बाद तो नहीं जाने चाहिए। पर अब सरकार ने तीन देशों के ऊपर बहुत बड़ा झटका दिया है। इनमें से एक है कोरिया, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है चाइना। इन देशों को एंटी डंपिंग ड्यूटी देनी होगी अगर इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर भारत में घुसाने की कोशिश की तो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, चूंकि ये सस्ते दरों पर अपने ऑप्टिकल फाइबर भारत में लगातार डंप कर देते हैं, जिससे होता क्या है, हमारा अपना जो घरेलू मार्केट है वो खराब हो जाता है, हमें हर हाल में जाकर इनके ही प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, और फिर बहुत तरह की चीजें आती हैं, अपग्रेड करो, चेंज करो, मतलब इनके ऊपर निर्भरता बढ़ती चली जाती है। तो भारत सरकार ने अब आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाया है और इन तीन देशों को बैन लगाया है, अब इन तीन देशों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। आपको बता दें, 4G 5G के बाद 6G, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत है, और भारत आने वाले सालों में भी इसका बड़ा लंबा इस्तेमाल करने वाला है। ऐसे में जो प्रॉफिट है वो घर में ही रहे, पहली बात, और दूसरी बात, किसी और के ऊपर निर्भरता न रहे कि मजबूरी में आपको कुछ निर्णय लेने पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार सही कर रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।